Hello students, I hope you all are fine at home. Students, as you know, we are working from home, so we are providing you online classes on behalf of St. Angel's Public School, Baghpat. So here we go with chapter 4 of main course of class 8th. The title of the chapter is The Leopard. We have already discussed about this chapter in the first and second part of this video. So let's start the third part and final part of this chapter. So अभी तक आपने देखा कि जो विजिटर है वो एक परी टिब्बा नाम की हिल पर पहुंच गया है, जिसे हिल ऑफ द फेरीज भी कहा जाता है. वहां पर पहुंचकर उसे लगता है कि ये जो पहाड़ी है वो एक्चुअली एक लेयर है. लेयर मीन्स मांद है. किसकी? लेपर्ड की, तेंदुए की. तो उसे ये शक होता है कि शायद तेंदुआ भी आसपास कहीं उस घात लगाकर बैठा हो या छिप कर बैठा हुआ हो. लेकिन उसे इस बात की भी खुशी है कि अभी तक तेंदुए ने उस पर हमला नहीं किया है. और उसे ये लगता है शायद कि तेंदुए ने उस पर हमला इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो उस पर विश्वास करता है, उस पर भरोसा करता है. और इस भरोसे को जीतने के लिए उसने बहुत विजिट किया है, उसको बहुत करीब से देखा है, उसको भरोसा दिलाया है कि हाँ, कि मैं एक ह्यूमन हूँ और मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा. और ये विश्वास दोनों ने एक दूसरे का जीत लिया है. सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. क्या होता है? परहैप्स आई हैड मेड हिम कॉन्फिडेंट. शायद मैंने उसको विश्वास पात्र बना दिया था. कॉन्फिडेंट मीन्स बहुत ज़्यादा भरोसेमंद बना दिया था. टू कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा भरोसेमंद. टू केयरलेस, जिसकी वजह से वो बहुत लापरवाह हो गया. टू ट्रस्टिंग, और बहुत ही ज्यादा विश्वास करने लगा ऑफ द ह्यूमन इन हिज मिड्स, उसके बीच में जाकर. मैं उसके बीच में यानी कि जंगल में अक्सर विजिट किया करता था विदाउट हर्टिंग हिम, उसको बिना कोई नुकसान पहुंचाए, जिसकी वजह से वो शायद बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था और बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो गया था इंसानों की तरफ से. आई डिड नॉट वेंचर एनी फर्दर. मैंने कोई वेंचर में होता है जोखिम भरा काम करना. मैंने कोई जोखिम भरा काम नहीं किया आगे. आई डिड नॉट सीक फिजिकल कॉन्टेक्ट. मैंने उसको टच भी नहीं किया. मैंने कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं किया उससे. और इवन अनदर ग्लिम्स, ग्लिम्स मीन्स होता है झलक या मतलब नजर आना. ग्लिम्स मीन्स झलक. Even another glimpse of that beautiful sinewy body. Sinewy means बलवान. तो वो स्पीकर कहता है कि मैंने कोई भी आगे जोखिम भरा काम नहीं किया. मैंने उसे इवन टच भी नहीं किया. और यहाँ तक कि मैंने उसकी उस खूबसूरत बलवान शरीर की एक झलक भी दोबारा नहीं देखी थी. लेकिन फिर भी it was his trust. ये उसका विश्वास ही था. And I wanted, जो मैं चाहता था. एंड आई थिंक, और मुझे लगता है ही गेव इट टू मी. शायद उसने वो भरोसा मुझे दे दिया है या मैंने उसका वो भरोसा जीत लिया है कि मैं इस पहाड़ी पर हूँ और अभी तक मैं सही सलामत हूँ. ना तो उसने मुझे कुछ कहा है और ना ही मैंने उसे नुकसान पहुँचाया है. अब वो नेक्स्ट पैरा में पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है. But did the leopard trusting one man make the mistake of bestowing his trust or on others? तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या जो leopard है, जो तेंदुआ है, trusting one man, क्या एक इंसान पर भरोसा करना leopard की make the mistake, क्या वो कोई गलती नहीं है? क्या ये गलती नहीं कर रहा तेंदुआ कि वो अपना जो trust है, अपना जो भरोसा है, इज बेस्टोविंग. बेस्टोविंग में होता है प्रदान करना, पोलाइटली, बहुत ही विनम्रता के साथ किसी को कोई चीज देना. तो हिज ट्रस्ट ऑन अदर्स, कि वो दूसरों को अपना भरोसा दे रहा है, ये क्या उसकी ये बड़ी गलती नहीं है? हाँ. डिड आई, अब वो अपने लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, डिड आई बाय कास्टिंग आउट ऑल फियर, माई ओन फियर एंड द लेपर्ड्स प्रोटेक्टिव फियर, कि क्या मैंने तो कोई गलती नहीं की? क्या करके? बाय कास्टिंग आउट. कास्टिंग में होता है बाहर निकालना.
ऑफ ऑल फियर, उसका सारा डर जो मैंने बाहर निकाल दिया था इंसानों को, इंसानों के प्रति, क्या मैंने तो कोई गलती नहीं की? कौन सा डर? माय ओन फियर, एक तो मैंने अपना डर निकाला, एंड द लेपर्ड्स प्रोटेक्टिव फियर, और जो तेंदुए का प्रोटेक्टिव यानी कि रक्षात्मक जो डर था उसको भी मैंने बाहर निकाल दिया था, यानी कि अब वो इंसानों की तरफ से बेफिक्र हो चुका था, और मैंने उसको ऐसे ही उस बिना डर के लीव हिम उसको छोड़ दिया, डिफेंसलेस यानी कि रक्षात्मक तरीके से छोड़ दिया, यानी कि अब उसको अपनी रक्षा की फिक्र नहीं थी। क्या ये मैंने गलती की थी या लेपर्ड ने गलती की थी? ये दो क्वेश्चन वो पूछ रहा है, क्योंकि अगले दिन, बिकॉज द नेक्स्ट डे, अगले दिन गोइंग डाउन द पाथ टू द स्ट्रीम, जैसे ही मैं नदी के नीचे नदी के रास्ते जा रहा था, शाउटिंग एंड बीटिंग ड्रम्स, तो शोर मचाते हुए और ढोल बजाते हुए वर द हंटर्स, मुझे शिकारियों का झुंड मिला। दे हैड अ लॉन्ग बैम्बो पोल, उन्होंने, उनके पास एक लंबा बड़ा बांस का डंडा था, अक्रॉस देयर शोल्डर्स, उनके कंधों के ऊपर, एंड स्लंग, और लटका हुआ था, स्लंग में होता लटकना, फ्रॉम द पोल, उस पोल से, फीट अप, एक फीट ऊपर, हेड डाउन, जिसका सर नीचे था, वाज द लाइफलेस बॉडी ऑफ द लेपर्ड, एक मृत शरीर लटका हुआ था जिसका सर नीचे की तरफ था, और वो बॉडी जो थी, वो मृत शरीर जो था, वो किसका था? लेपर्ड का, उस तेंदुए का। शॉट इन द नेक एंड इन द हेड, जिसको गर्दन पर और सर पर गोली मारी गई थी। अब ये बहुत परेशान होकर ये इस चीज को, क्वेश्चन को पूछा था इसने, कि क्या लेपर्ड का वो डर निकालना, उसका भरोसा जीतना, क्या सही था? लेपर्ड ने गलती कर दी जिसकी वजह से वो इंसानों को अपना दोस्त समझने लगा, या वो इंसानों से लापरवाह होकर रहने लगा, उसे लगा कि शायद इंसानों से उसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन आज शायद उसके इसी डर निकल जाने की वजह से आज शायद वो मारा गया था। वी टोल्ड यू देयर वाज अ लेपर्ड, दे शाउटेड, उन्होंने चिल्लाकर कहा, किसने? शिकारियों ने, किससे? उस स्पीकर से, उस विजिटर से, इन गुड, ग्रेट गुड ह्यूमर, ह्यूमर में होता है हंसते हुए, हास्य तरीके से, मजाक उड़ाते हुए, उन्होंने चिल्लाकर कहा कि हमने कहा था ना कि तुमसे यहां जंगल में एक लेपर्ड है, एक तेंदुआ है, इजंट ही ए फाइन स्पेसिमैन, क्या ये अच्छा नमूना नहीं है तुम्हारे लिए? इट मीन्स वो उसको दिखाते हुए कह रहा है, देख लो ये रहा लेपर्ड, हमने तुमसे कहा था, हमने तुम्हें वार्न किया था कि हाँ इस जंगल में एक लेपर्ड रहता है, स्पेसिमैन मीन्स नमूना। यस आई सैड, मैंने कहा हाँ हाँ, ही वॉज अ ब्यूटिफुल लेपर्ड, ये बहुत ही खूबसूरत तेंदुआ था। आई वॉकड होम थ्रू द साइलेंट फॉरेस्ट, मैं उस शांत जंगल से होते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ा। इट वॉज वेरी साइलेंट, उस दिन वो बहुत ही शांत था, कौन? जंगल। ऑलमोस्ट एज दो द बर्ड्स एंड एनिमल्स न्यू, ऐसा लग रहा था जैसे कि लगभग सारे जितने भी पक्षी और पशु हैं न्यू जानते थे, दैट कि देयर ट्रस्ट, उनका जो विश्वास है, उनका जो भरोसा है, हैड बीन वायलेटेड, वो टूट चुका है, वो चकनाचूर हो चुका है, वो नष्ट हो चुका है। दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।